हेलो एवरीवन, सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला जो है स्क्रियूल कास्ट और स्क्रियूल ट्राइब रिजर्वेशन पर वो आ रहा है, ठीक है। सो एससी का एससी रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक ऐतिहासिक फैसला, देखिए अभी जो है ऐतिहासिक फैसला यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो जारी कर रही है स्क्रियूल कास्ट रिजर्वेशन के ऊपर। बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है एससी रिजर्वेशन के ऊपर, आरक्षण जो कि एक चर्चित मुद्दा बना रहता है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जानेंगी क्या क्या है ये पूरा मुद्दा। वीडियो को एंड तक देखना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। बात अगर हम करें तो मेजोरिटी रूलिंग, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने मेजोरिटी रूलिंग के साथ जो है ये कहा है कि जो स्क्रेड्यूल कास्ट, जी हाँ, जो एससी रिजर्वेशन होता है उनको सब कैटेगराइज, सब क्लासिफाई कर दिया जाना चाहिए। यानी कि अब एससी में भी जो है आप क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर देखेंगे। जो लोग नॉन क्रीमी लेयर के होंगे उन्हें इस रिजर्वेशन का जो है, जो आरक्षण है, एससी आरक्षण है, उसका जो है ज्यादा लाभ दिया जाएगा, जबकि जो क्रीमी लेयर में होंगे उनको जो है उतना लाभ नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एक बेंचमार्क के ऊपर है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही जजमेंट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इसके रिगार्डिंग जजमेंट दी है, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो जजमेंट कब आई थी, बट 2024 में जो जजमेंट है 6:7 मेजोरिटी के साथ, यानी कि टोटल 7 बेंच जज थी जिसमें से 6 जजों ने कहा कि जी हाँ, जो एससी रिजर्वेशन है, स्केड्यूल कास्ट रिजर्वेशन है, उसमें सब कैटेगराइजेशन क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर्स में होना चाहिए। बात यह है कि 2004 में पहले भी जो है सुप्रीम कोर्ट एससी रिजर्वेशन के ऊपर वर्डिक्ट दे चुका है, बट हाल फिलहाल में दोबारा जो है यहाँ पे माना जा रहा है कि एससी रिजर्वेशन के ऊपर, सब कैटेगराइजेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो ओवरऑल वर्डिक्ट देने जा रहा है। ईवी चिन्ना वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश ने साफ तौर पे पहले 2004 में कहा था कि सब कैटेगराइजेशन जो है वो स्केड्यूल कास्ट स्केड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन में नहीं होना चाहिए, और 2004 में एक हिस्टोरिक जजमेंट दी थी 6:7 मेजोरिटी के साथ। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला जो है वो ऐसा लग रहा है बदलने का पूरा मन जो है वो बना लिया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में जो है जो जजमेंट अभी जो चल रही है ऑलरेडी, उसमें कहा है कि अब जो है वो सब कैटेगराइजेशन, यानी कि स्केड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन में भी अब आप ओबीसी का, मतलब जैसे ओबीसी क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर होता है, इसी तरीके से आप जो है क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर्स इन द स्केड्यूल कास्ट भी आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके की बात जो है वो कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 6:7 मेजोरिटी, यानी कि वापस से 7 बेंच की जज बैठती है जिसमें से 6 जजेस ने ये एक्सेप्ट किया है कि जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में ये एक्सेप्ट किया है कि स्केड्यूल कास्ट जो है उसमें सब कैटेगराइजेशन, सब क्लासिफिकेशन जो है रिजर्वेशन में, आरक्षण में वो होना चाहिए, यानी कि क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर्स विदिन द एससी जो है वो पारित होना चाहिए। इस तरीके की यहाँ पे जो जजमेंट है वो माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाल फिलहाल में अभी कहा है, ठीक है। और ये किसके बेसिस पे होगा, ध्यान रखिए, ये जो कैटेगराइजेशन है कि क्रीमी कौन होगा, नॉन क्रीमी कौन होगा, तो ये जो होगा आपके आइडेंटिफिएबल एंड डेमोन्स्ट्रेबल डाटा, यानी कि डाटा के बेसिस पे आपका किया जाएगा, और ये जो होगा ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव एंड डाटा बेयरिंग द लेवल ऑफ बैकवर्डनेस, यानी कि देखा जाएगा कि कौन जो है कितना ज्यादा बैकवर्ड है, किसको जो है गंभीर रूप से आरक्षण की जरूरत है, किसके पास आर्थिक रूप से जो है वो कमजोर वर्ग है या जो कमजोर है, और किस जो है किस फैमिली के पास जो है वो एक भी गवर्नमेंट जॉब में कोई भी नहीं है, तो उन्हें जो है आरक्षण का जो लाभ है वो दिया जाएगा। और वो फैमिलीज जो ऑलरेडी क्रीमी लेयर एससी हैं बट क्रीमी लेयर, यानी कि उनके पास जो है अच्छी खासी संपत्ति है, और जो लोग हैं वो आपके गवर्नमेंट सर्विसेज में है, तो उनको जो है यहाँ पे वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे जहाँ पे आरक्षण का लाभ उतना नहीं दिया जाएगा। जो लोग नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे एससी के, उनको माना जा रहा है 15% तक का आरक्षण, ये जो एससी का आरक्षण है इसका लाभ जो है वो दिया जाएगा। साथ ही साथ इट कैन नॉट बी इन अदर वर्ड्स मेरली एट द एक्ट ऑफ
टाइम्स और मैटर ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीडेंसी। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज की है आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन को लेकर। पहले हम ओबीसी रिजर्वेशंस में क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर जो है वो देखते थे, बट अब बहुत जल्द आपको एससी यानी कि स्किड्यूल जो कास्ट रिजर्वेशन है उसमें भी आपको क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अपनी ही जजमेंट को यानी 2004 में जो ईवी चिन्या वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में जो जजमेंट कही थी कि नहीं, सब कैटेगराइजेशन सब क्लासिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है एससी एसटी रिजर्वेशन में, अब उसी अपनी ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही जजमेंट को जो है वो ओवर पावर कर दिया है और यहाँ पे सब कैटेगराइजेशन की बात जो है वो कही है। अब सेपरेट यहाँ पे जस्टिस बी आर गवई ने कहा है कि स्टेट टू इवॉल्व अ पॉलिसी यानी कि बहुत जल्द जो स्टेट है वो एक ऐसी पॉलिसी को इवॉल्व करेंगे जहां पे क्रीमी लेयर्स और नॉन क्रीमी लेयर्स विदिन द एससी एंड एसटी जो है वो पारित किए जाएंगे और जो भी नॉन क्रीमी लेयर होगा उसे इस आरक्षण का फायदा ज्यादा दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि 15% तक जो है वो आरक्षण का जो उनको फायदा है वो प्रदान किया जाएगा। वहीं जो नॉन क्रीमी लेयर्स जो क्रीमी लेयर में आएंगे उनको आरक्षण का लाभ कम दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो जस्टिस जो मेन जज है जस्टिस गवई उन्होंने कहा है यही सही मायनों में जो है इक्वालिटी यानी कि समानता होगी। जो समानता हमारे संविधान में आर्टिकल 14, 16, 18 बात करता है यही जो है सही मायनों में इक्वालिटी क्या होती है समानता क्या होती है पूर्ण रूप से इसी को ही जो है हम निर्धारित करेंगे। वहीं जस्टिस विक्रमनाथ पंकज मित्तल और सतीश चंद्र शर्मा ने कहा है कि जो मेजॉरिटी रूलिंग यानी कि इन्होंने मेजॉरिटी रूलिंग किसी के साथ दी है वहीं जो एक जज है जिन्होंने इनके साथ जो है वो डिसीजन को पारित नहीं किया है यानी कि जो इस डिसीजन के खिलाफ है जो सब कैटेगराइजेशन के खिलाफ है उनको लगता है सब कैटेगराइजेशन की कोई भी जरूरत नहीं है वो है जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। यानी जस्टिस बेला एम त्रिवेदी अभी भी सेटिस्फाई नहीं है, उनको लगता है 2004 की जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो बिल्कुल सही जजमेंट है बट बाकी सभी जो जजेस हैं उन्हें लगता है कि जो क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर्स हैं विदिन दी एससी एंड एसटी उनको पारित किया जाना चाहिए। और फाइनली वो जो है आपके एक तरीके से वही यानी कि अगर देखिए अभी हो क्या रहा है कि जो आपके क्योंकि अभी कैटेगराइजेशन नहीं है तो पूर्ण रूप से सभी एससी एसटी जो है वो आपके रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं बट ऑलरेडी देखा जा रहा है कि जिनके पेरेंट्स जो है गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं अच्छी जॉब में हैं उनके जो है एक तरीके से जो बच्चे हैं वो भी मान लीजिए अगर 4 बच्चे हैं तो 2 गवर्नमेंट जॉब में है तो एक तरीके से गलत फायदा जो है आरक्षण का वो दरअसल उठाया जा रहा है। अब वो जो है वो उन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी एक लेवल से जो है ऑलरेडी आप कह सकते हो कि काफी उठे हुए हैं बट वो लोग जिन्हें जो लोग नहीं उठे हुए हैं जिन्हें वाकई में ही आरक्षण की जरूरत है और जो एससी कैटेगरी में है उनको जो है ये रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। तो ये एक हिस्टोरिक जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हो कि रिलीज करी है। देखना होगा कि किस तरीके से इसको वेलकम किया जाएगा बट फिलहाल के लिए वीडियो को यहीं पे ही स्टॉप कर देते हैं। आई होप आपको पूरा मुद्दा समझ आया होगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।